How are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT EVS book, Environmental Studies, Looking Around, textbook for class 4. Students, today we are going to read our new chapter, chapter number 14, Baswa's Farm, मतलब बासवा का farm. इसमें एक बासवा नाम का लड़का है, वो अपनी स्टोरी बताता है, okay? I am Baswa, मैं बासवा हूँ. My father is a farmer. मेरे पापा जो हैं वो एक किसान हैं. We live in Belvenica. Belvenica village in Karnataka. हम कर्नाटका के एक Belvenica village में रहते हैं. It was the month of July. Like every year, appa means my father is preparing the field to sow the onion crops. मतलब ये जुलाई का महीना है. और हर साल मेरे अप्पा मतलब मेरे पापा फील्ड के अंदर क्या करते हैं, अनियन के जो क्रॉप्स होते हैं, अनियन के बीज बोते हैं. ठीक है, देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. और इस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए. टू हेल्प हिम आई गो टू फील्ड विद अप्पा. उनकी मदद करने के लिए मैं उनके साथ खेतों में जाता हूँ, अप्पा के साथ खेतों में जाता हूँ. In the last few years, Appa has been using the khunti and iron rod to dig the soil. मतलब कुछ सालों से अप्पा जो है, कुछ दिनों से अप्पा जो है वो एक खुंती का यूज करते हैं, जो किसकी बनी होती है, आयरन रॉड की बनी हुई होती है, टू डिग द सॉइल, जो कि सॉइल में गड्ढा करने के काम में आती है. लूजन एंड इट मेक्स इट सॉफ्ट, जिससे मतलब सॉइल के ऊपर उसको चल मारते हैं तो वो सॉइल को क्या करती है, हल्की करती है और सॉफ्ट कर देती है. सोइंग द सीड्स, अब बीजों को बोना. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड. इस साल भी मेरे पापा ने अनियन के सीड्स को क्या है, क्या किया था, फील्ड में बोया, मतलब बोया था. सो मीन्स बोना. द बुलक्स विल पुल द कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम. और जो बुलक होती हैं मतलब बैल होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कुरीज को खींचती हैं और उसके पीछे पीछे अप्पा चलते हैं. स्प्रिंकलिंग द सीड्स, अप्पा उनके पीछे पीछे क्या करते हैं, बीजों को छिड़कते हुए चलते हैं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मेरे को भी ऐसा करने का मन करता है. जस्ट लाइक माई अप्पा, जैसा कि मेरे पापा करते हैं. बट अप्पा से दैट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस. लेकिन मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि हमें जो सीड्स डालने हैं, जो हम सीड्स डाल रहे हैं, जो बीज डाल रहे हैं, उनको हमें एक अच्छे अमाउंट में और एक अच्छे डिस्टेंस पर डालने होंगे. ये नहीं कि हमने सीड्स जो छिड़काव किया है, सीड्स डाले वो एक ही जगह छिड़क दे. उसके अप्पा मतलब रेगुलर डिस्टेंस के साथ साथ मतलब अच्छे अमाउंट में सीड्स को डाल रहे थे. दिस इज नॉट सो ईजी टू डू, यह करना आसान नहीं है. ही सेज दैट, उन्होंने ऐसा कहा. आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, मैंने शायद एक ही जगह पर बहुत सारे सीड्स डाल दिए. आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा और मैं इस काम के लिए अभी बहुत छोटा हूँ. द स्प्राउट्स अपीयर, अब जो बीज बोए हैं अब उसमें से क्या हो रहा है, स्प्राउट्स उग रहे हैं. इट इज नाउ 20 डेज सिंस द सीड्स वर सोन, अब 20 दिन हो गए हैं जो बीज है वो उगने लगे हैं. मतलब ये देखिए, ये बीज बोए थे, अब उसमें से ग्रीन ग्रीन से स्प्राउट्स निकल रहे हैं. द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट्स, अब अनियन के प्लांट में क्या उग गए हैं, स्प्राउट्स उग गए हैं. अलोंग विथ अनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, अनियन प्लांट्स के साथ साथ वीड्स, वीड्स मीन्स जंगली पेड़ पौधे भी उग जाते हैं. वीड्स ग्रो इन द फील्ड गार्डन्स विदाउट बींग प्लांटेड, वीड्स जो होते हैं, जो जहरीले या पेड़ होते हैं, घासें होती हैं, वो सब फील्ड में या गार्डन्स में बिना किसी प्लांटेशन के उग जाती हैं. अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड
फर्टिलाइजर, मतलब फिर अप्पा कहते हैं कि हमें जो वीड्स हैं, जो जहरीली घास या पेड़ है, वो हमें निकालने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो फर्टिलाइजर, मतलब हमने खाद और ये सब डाली थी ना, वो सब खराब होने लगेगा धीरे धीरे हमारा जो खेत है। इफ देयर आर टू मैनी वीड्स, यहाँ पर बहुत सारे जंगली पौधे हैं, देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, अगर जंगली प्लांट्स उसके पास लगे रहेंगे तो अनियन का प्लांट्स बहुत अच्छा हेल्दी नहीं हो पाएगा। अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स, मेरी मम्मी, मेरे अंकल और मैंने मेरे पापा की हेल्प की थी, किस काम के लिए, उन जंगली पेड़ों को निकालने के लिए। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं प्लांट्स को देख के, मतलब उगता हुआ देख के बहुत खुश हुआ, दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, जो बहुत लंबे हो गए थे, तकरीबन मेरे घुटने के बराबर, द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, और जो उसकी प्लांट्स की जो लीव्स थी वो धीरे धीरे येलोइश हो रही थी, एंड ड्राइड अप, और सूखने लगी थी। This means that the onions are ready to be taken out. इसका मतलब ये हुआ कि onions जो हैं अब वो कट करने के लायक हो गए हैं, अब खेतों में से onions को हम निकाल सकते हैं। Do you know why? Everyone at home will have to work to take the onions out. हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं, अनियंस को बाहर मतलब खेत में से अब निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, कि ये जो काम है अनियंस को, अब अनियंस उग गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब उनको सही समय पर निकाल लिया जाए। इफ़ वी आर लेट, अगर हम लेट करते हैं, द अनियन विल रोट इन द ग्राउंड, तो अनियन क्या हो जाएंगे फिर, खराब हो जाएंगे, कहाँ पर, ग्राउंड इटसेल्फ, अपने आप ही धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे, एंड ऑल आर हार्ड वर्क बी वेस्टेड, और हमारा जो इतना हार्ड वर्क है, इतना कठिन परिश्रम है, वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नाउ द अनियन क्रॉप, एवरीवन एट होम इज हैप्पी, घर पर सभी लोग बहुत खुश थे, This time two onion are big and healthy. इस समय के जो onions थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े और अच्छे थे। अम्मा एंड आंटी यूज अ इलगी, अम्मा और आंटी क्या यूज़ कर रही थी, इलगी यूज़ कर रही थी टू कट द ड्राइड लीव्स, जो सूखी पत्तियों को काट रही थी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, अनियन के ऊपर से सूखी पत्तियों को इलगी के थ्रू काट रही थी। द इलगी इज अ शार्प एंड यू हैव टू बी Careful not to cut your fingers. जो इलगी होती है वो क्या होती है, बहुत शार्प होती है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे आपकी फिंगर्स कट ना हो जाएं। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियन, अप्पा और अंकल ने जो अनियंस थे उसको बोरी में भरा, मतलब सैक्स में भरा। अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द पिक मार्केट, और उस बोरी को अप्पा ने किस में रखा, ट्रक में रखा, और मार्केट में उसको बेचने चले गए। गिव एंड राइट द पिक्चर ऑफ सम इम्प्लीमेंट यूज बाय बासवास फैमिली, राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट, ऑल्सो राइट वॉट वर आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, वॉट वर्क आर दे यूज फॉर, नेम इन चैप्टर कुरीज, नेम इन योर एरिया कुदाल एंड वर्क प्लगिंग, नेम इन दिस चैप्टर कुंथी, नेम इन योर एरिया कुंथी एंड वर्क डिगिंग, मीन्स गड्ढा करने के लिए, नेम दिस इन दिस चैप्टर इलगी, नेम इन योर एरिया सिकल एंड वर्क कटिंग द वेजिटेबल्स, इससे हम वेजिटेबल्स काटते हैं ना, और इससे क्या करते हैं, प्लकिंग करते हैं ना, और इससे डिगिंग मीन्स गड्ढा खोदते हैं। सो मेक द स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम टू करेक्ट इन ऑर्डर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं ना, देन उसके बाद क्या करते हैं, सीड्स का छिड़काव करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे मतलब वो जो वीड्स लगे होते हैं उनको उखाड़ते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो अनियन का पेड़ जब बड़ा हो जाता है, येलोइश होने लगता है पौधा, तो हम उसको कट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हाँ फिर ये वीड्स निकालते हैं, फिर अनियन के पौधे को हम निकालने लगते हैं, और फिर सिक्स्थ में हम सैक में भरकर उसको मार्केट ले जाते हैं। सो आवर चैप्टर 14 इज फिनिश्ड हियर। Till then, thank you and take care.